आपका 2i8s में स्वागत है। और पिछली क्लासों में हम पासे के कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं और उसी के क्रम में आज का डाइस पार्ट 4 हम पढ़ने जा रहे हैं। और अभी तक हमने सिंगल डाइस, डबल डाइस इस तरीके के क्वेश्चन किए, लेकिन अब हम सिंगल डाइस और डबल डाइस से भी अपर मतलब ये है कि जैसा कि आप नोट देख पा रहे हो, लिखा है जब एक ही पासे की दो से अधिक आकृतियां दी जाएं, मतलब यह है कि पासा एक ही होगा, उसी की दो तीन चार ऐसे आकृतियां आपको देगा, और उन क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाता है हम उनको करना सीखेंगे, और उनको करना बड़ा ही सरल है। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देख पा रहे हैं, इसमें एक ही डाइस की तीन आकृतियां दी गई हैं और उसमें हमसे ये पूछा गया है कि भाई 3 और 2 के अपोजिट क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे हल करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम तो इसमें हम ये सीख लें कि किस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना होता है। तो जिस तरीके से हमने डबल डाइस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और डबल डाइस में हमने बताया कि भाई या तो कोई दो सतह दोनों में कॉमन हो रही होंगी, कॉमन, और या कोई एक सतह दोनों में कॉमन हो रही होगी, तो वही चीज हमें यहां पे भी देखनी है। और हम क्या करेंगे, कभी भी तीनों को एक साथ या एक सिंगल को ही नहीं देखेंगे, हम हमेशा दो डाइस को एक साथ देखेंगे, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि भाई हम वो दो डाइस उठाएं जिनमें दो संख्याएं कॉमन हो रही हो या फिर कोई एक संख्या तो कॉमन हो ही रही हो। तो इस तरीके से आप देखिए कि अगर हम पहले और दूसरे को उठाते हैं तो क्या कोई नंबर एक दूसरे में कॉमन हो रहा है, तो यहां पे कोई भी नंबर ना यहां पे 1 है और ना इनमें से कोई भी नंबर यहां पे नहीं है। तो अब बोले हैं कि भाई अब इसको क्यों नहीं उठा सकते, तो इसको इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं हो रहा है। और आप बोलोगे कि भाई दो डाइस में तो हमने नॉन कॉमन भी पढ़ा था, वो भी तो लग सकता है। तो हम ये बोलना चाहेंगे कि नो कॉमन जो नंबर था, कॉन्सेप्ट था, वो आपका सिर्फ और सिर्फ दो डाइस में ही पॉसिबल है, और दो डाइस के अलावा डाइस के किसी भी सवाल में नो कॉमन का आप यूज नहीं करेंगे, अन्यथा वो सवाल गलत होगा, उसका आंसर आप गलत दे बैठेंगे। तो इसलिए आप नो कॉमन कभी नहीं उठाएंगे। इसलिए हमने ये बोला है कि भाई वो आप दो उठाइए पासे जिसमें दो कॉमन हो रहे हो या एक सिंगल तो कॉमन हो ही रहा हो। तो देखिए जरा, अभी हमने फर्स्ट और सेकंड को उठाया और देखा कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट और थर्ड को एक साथ देखते हैं और कहते हैं कि भाई यहां 3 है और यहां पे 3 है, इसके अलावा तो कोई नहीं मिल रहा, तो मतलब ये कि हमें 1 कॉमन मिल गया। 1 कॉमन मिल गया तो 1 कॉमन का जो कॉन्सेप्ट था क्लॉकवाइज घूमना, तो वो हम अपना करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड डाइस को उठा रहे हैं और उससे हम बोल रहे हैं कि भाई यहां पे 3 और वहां 3, इसमें क्लॉकवाइज चलना है, तो ये क्लॉकवाइज आए तो 3 1 2 2, और यहां पे भी क्लॉकवाइज चलना है तो हम बोलेंगे 3 4 6, तो 3 4 6. और ये 6, इसका मतलब ये अपोजिट और ये भी अपोजिट है, और इसमें जो संख्या नहीं दिख रही है वो 3 की अपोजिट हो गई। अब उसने हमसे ये पूछा है कि आप 3 का अपोजिट बताइए, तो देखिए 3 का अपोजिट क्या है, तो 3 का जो अपोजिट है वो 5 है। दूसरे नंबर पे उसने ये पूछा कि भाई 2 का अपोजिट क्या है, तो देखिए जरा 2 का अपोजिट 6 है, तो हम कहेंगे कि 2 का अपोजिट 6 है। अब इसके बाद कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई अगर हमें 3 का अपोजिट बताना था तो क्या हम दूसरा और तीसरा नहीं उठा सकते थे, बिल्कुल उठा सकते थे,
और हम उसको कैसे करते, तो उसको करने के लिए हमें क्या देखना होता कि भाई यहां पे 4 और 6 दो कॉमन हो रहा है। हमने पहले ही कॉन्सेप्ट में यही बताया कि या तो दो कॉमन हो या एक कॉमन हो, तो यहां पे दो कॉमन ये हो रहे हैं। तो हमने बता रखा है कि जब भी दो कॉमन सतह हो तो जो बचती है सतह दोनों में वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, मतलब 3, 5 का अपोजिट होगा। तो हम यहां से भी देख सकते थे कि 5 का अपोजिट 3 है, 3 का अपोजिट 5 हो जाता। तो इस तरह से हम इसके आंसर देंगे और हमारा आंसर आया 3 का अपोजिट 5 और 2 का अपोजिट 6। क्वेश्चन नंबर 2, आप देख रहे हैं एक क्वेश्चन दिया गया है और उसमें चार ऑप्शन दिए गए और उसने कहा है कि भाई 2 का विपरीत क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए फिर से वही हम किन्हीं भी दो आकृतियों को एक साथ देखेंगे और देखेंगे भाई क्या कॉमन मिल रहा है। तो हमने देखा पहले और दूसरे में कि 6 कॉमन मिल रहा है और बाकी नंबर अलग है। तो हम यहां से भी इसको कर सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड को एक साथ देख रहे हैं और उसमें बोल रहे हैं कि भाई 6 दोनों जगह पे है और यहां से हम क्लॉकवाइज और यहां से हम क्लॉकवाइज, तो 6, 4, 1 और वहां 6, 3, 5। अब यहां 6 का अपोजिट जो संख्या हमें नहीं दिख रही है 2, और उसने हमसे 2 का ही अपोजिट पूछा है, तो हमारा आंसर 2 का अपोजिट 6 आ गया। अब देखिए यहां से तो आपका आंसर आ गया, अब इसके बाद मतलब ये कि आगे करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम सेकेंड और थर्ड को एक साथ उठाते और बोलते तब क्या होगा, तो देख लीजिए जरा सेकेंड और थर्ड को उठाने पे यहां पे कोई भी नंबर मैच नहीं करना है, इसलिए हम इसको नहीं उठा सकते। मतलब अगर हम चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं कि भाई इसमें कोई नंबर ही मैच नहीं कर रहा है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। अब इसके बाद बात आई कि अगर हम फर्स्ट और थर्ड को लेते तो क्या होता, तो देखिए जरा फर्स्ट और थर्ड को लेने पे किस तरह से, फर्स्ट और थर्ड को लेने पे क्या होगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड देखिए यहां पे 1 और 4 और यहां भी 1 और 4, यानी 2 बाउंड कॉन्सेप्ट काम करेगा और यहां सीधा हम डायरेक्ट देख सकते हैं कि ये दोनों कॉमन है तो ये सतह और ये सतह एक दूसरे के विपरीत होगी। तो हम सीधा बोल सकते हैं कि भाई 6 का अपोजिट 2 और 2 का अपोजिट 6, तो यहां पर सॉरी 6 आएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा और इसी पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख पा रहे हैं सीधे सीधे उसने सीधा पासा रख दिया और इनकी सहायता से अंकों को दर्शाया है, जैसे इसमें 1 और 3 और 2 और यहां 6, 5 और 2 और यहां 1 और ये सारे दिख रहे हैं आपको। इसमें पूछा गया है कि भाई अगर ऐसी सतह हमें दिख रही है तो इसके अपोजिट में कौन सी सतह होगी, तो देखिए यहां पे 1 डॉट है और 1 डॉट इसमें और इसमें भी है, तो अगर हम इसको और इसको उठाते हैं तो देखिए क्या होगा, और अगर हम इसको और इसको साथ में लेते हैं तो क्या होगा। तो हम फर्स्ट एंड सेकंड इनको साथ में लेके चलते हैं और देखते हैं कि भाई इसमें क्या क्या एक दूसरे के कॉमन हो रहा है। इसमें देखो 1 डॉट 1 डॉट 2 डॉट 2 डॉट, तो यहां पे डबल कॉमन का कॉन्सेप्ट काम करेगा और हम सीधा बोल सकते हैं कि भाई 3 का अपोजिट 5 होगा। अब यहां से हमें तो 1 डॉट का चाहिए, तो इसलिए हम इसका अपोजिट निकाल के भी कुछ मतलब खास नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहां पे अगर हम कहें कि 5 जो 5 पॉइंट्स होंगे उनको हम 5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और 5 का अपोजिट 3 होगा,
लेकिन क्या हम ये बोल पाएंगे कि टू और वन के अपोजिट सिक्स या फोर, मतलब ये कि क्या हम क्लियर बोल सकते हैं कि वन का अपोजिट सिक्स ही होगा या क्लियर बोल सकते हैं कि वन का अपोजिट फोर ही होगा, इन दोनों की सहायता से तो नहीं। अब इसलिए हम आते हैं डाइस फर्स्ट और थर्ड में। फर्स्ट और थर्ड में आप देखिए कि यहां पे टू डॉट और यहां पे टू डॉट, इनके अलावा कोई नहीं मिल रहा है, यानी वन कॉमन के मेथड से हम इसको लगाएंगे और कहेंगे भाई फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड को देखने पे हमें दिख रहा है कि ये कॉमन हो रहा है, तो यहां से हम क्लॉकवाइज और यहां से क्लॉकवाइज। कुछ लोगों के माइंड में यह भी बात आ रही होगी कि हम क्लॉकवाइज ही क्यों हर बार घूमते हैं, क्या हम एंटी क्लॉकवाइज नहीं घूम सकते हैं? तो बिल्कुल घूम सकते हैं, लेकिन शर्त यह होगी कि दोनों में वही काम करना होगा। इसमें अगर एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा, अगर आप इसमें क्लॉकवाइज जाते हो तो उसमें भी क्लॉकवाइज ही जाना पड़ेगा। तो आप देखिए टू और टू, यहां से टू थ्री वन, तो टू थ्री वन, और यहां से टू फाइव सिक्स, तो टू फाइव एंड सिक्स। अब आप देखिए वन का अपोजिट क्या आ रहा है, सिक्स आ रहा है, तो इससे हम क्लियर बोल सकते हैं कि वन का अपोजिट सिक्स है, लेकिन इससे हम क्लियर नहीं बोल सकते हैं कि वन का अपोजिट सिक्स ही होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर सिक्स होगा और वो सतह ऐसी दिखेगी। इसी क्रम में आगे के क्वेश्चन भी हम करेंगे। अब क्या होगा कि अब जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें अभी थ्री डाइस दे रहा था, अब फोर डाइस देने लगेगा, और फोर डाइस को करने के बाद हम ओपन डाइस को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर में चार पासे दिए गए हैं और इनमें हमें ये पूछा गया है कि भाई सिक्स का अपोजिट क्या होगा, तो हम दो डाइस उठाएंगे और पहला और दूसरे को पहले चेक करते हैं। तो देखिए आप कि पहले और दूसरे में कोई भी नंबर एक दूसरे में कॉमन नहीं है, तो जब ये कॉमन नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कि पहला और तीसरा, तो पहले और तीसरे में आप देखिए यहां थ्री टू और यहां भी थ्री टू, यानी टू कॉमन का कॉन्सेप्ट काम कर सकता है और सिक्स का अपोजिट डायरेक्टली हम वन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर टू को फोर को करेंगे और कहेंगे कि भाई डाइस नंबर वन एंड डाइस नंबर थ्री को हमने देखा और देखा कि थ्री और टू, थ्री टू दोनों जगह कॉमन हो रहा है, इसलिए सिक्स जो होगा वो वन का अपोजिट होगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका आंसर आ गया हमारा वन। अब इसके बाद अगर हम डाइस नंबर वन को डाइस नंबर फोर से चेक करें तो देखिए जरा आप यही देख पा रहे होंगे कि यही संख्याएं सारी इसमें भी लिखी हुई है, बस स्थान बदले हुए हैं। तो इसके साथ भी उठाएंगे तो वही काम होगा, मतलब ये कि थ्री और टू यहां भी और थ्री और टू यहां भी, तो वन डायरेक्टली इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर फोर को हमने लगाया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे जिसमें वो कलर्स को देगा और उसमें पूछेगा कि भाई इस कलर का अपोजिट बताइए। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। इसमें हमने आर को रेड, ओ को ऑरेंज, वाई को येलो और जी को ग्रीन इंडिकेट किया है। अब यहां पे हमने थोड़ा सा ये इसलिए कर दिया क्योंकि ब्लू और ब्लैक में थोड़ा दिक्कत हो जाती, तो हमने ब्लू को और ब्लैक को क्लियर कर दिया और उसने ये कहा है कि भाई रेड कलर के अपोजिट में कौन सा कलर आएगा, वो कलर हमें बताना है। तो आप जरा देखिए क्या फर्स्ट और सेकेंड डाइस को एक साथ लेने पे हमें आर मिल सकता है। तो देखिए जरा यहां पे वन कॉमन हो रहा है और ब्लू भी कॉमन हो रहा है, तो टू कॉमन स्टेप लग सकता है और यहां से डायरेक्ट आर का अपोजिट ये आ सकता है। इसके बाद अगर हम
फर्स्ट डाइस और थर्ड डाइस को देते हैं तो फर्स्ट और थर्ड में भी टू कॉमन हो रहा है आर और ओ, आर और ओ। तो इस तरीके से हम वहां से तो ब्लू यानी येलो निकलेगा तो वहां से आर और ओ तो क्लियर हो नहीं पाएगा, इसलिए हम फर्स्ट और थर्ड को एक साथ नहीं उठाएंगे। इसके बाद अगर हम करना चाहें कि फर्स्ट और फोर्थ को उठाएं एक साथ, तो देखिए जरा यहाँ पे आर और यहाँ भी आर ये मैच कर जाएगा, तो मतलब ये कि या तो हम इसको और इसको उठाएं या फिर इसको और लास्ट वाले को उठाएं। तो हम पहले इसको फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व करते हैं और बोल रहे हैं कि भाई डाइस नंबर फर्स्ट एंड डाइस नंबर सेकंड और इसमें ओ और ब्लू ये दोनों कॉमन है, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि रेड का जो अपोजिट होगा वो हमारा ब्लैक होगा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट और सेकंड से निकाला। अब आइए निकालते हैं फर्स्ट और फोर्थ से। देखिए जरा यहां पे आर और यहां पे भी आर, तो आर को हम आर के नीचे और यहां से इस बार एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज यहां से यहां और एंटी क्लॉकवाइज यहां से यहां। तो इसमें क्या आया आर ब्लू और ऑरेंज, तो यहां पे ब्लू और ऑरेंज और यहां पे येलो और ग्रीन, तो येलो और ग्रीन। तो अब आप देख सकते हो कि कोई एक कलर हमें नहीं दिख रहा है, जो ब्लैक है तो वो ब्लैक जो होगा वो आर का अपोजिट हो जाएगा। तो ये तो हमने बोल दिया कि भाई ब्लैक हो जाएगा, क्या हमें पूरे कलर पता है? अगर हम इसको और इसको उठाते हैं तो क्या आर क्लियर हो पा रहा है कि भाई आर ब्लैक ही है? तो इसलिए हम दोनों का यूज करके हम इससे तो बता ही सकते हैं फर्स्ट और सेकंड से कि भाई इसका आंसर ब्लैक ही होगा। अब यहां पे जैसा कि हम यहां देख रहे हैं कि यहां पे ब्लू ऑरेंज येलो ग्रीन ये सारे कलर हैं, तो इन्हीं में से कोई एक कलर छूटा होगा, तो यहां रेड हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया, ये हो गया, तो बचा गया ब्लैक बचा। तो यहां से भी हम अब क्लियर बोल सकते हैं इसको देखने के बाद कि भाई यहाँ पे ये सारे कलर हो चुके हैं और ये ही बचा है, तो इसका अपोजिट ये ही होगा। तो हम कहेंगे कि भाई रेड का अपोजिट जो होगा वो ब्लैक होगा। और इस तरीके से हम चार डाइस वाले क्वेश्चन को भी आसानी से कर सकते हैं। और अब हम ओपन डाइस को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओपन डाइस में कई सारे चित्र आपको दिखाए जाएंगे और उनमें से कैसे आपको किसका विपरीत क्या होता है वो देखने को मिलेगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं ओपन डाइस। ओपन डाइस का क्वेश्चन नंबर 1, आइए सीखते हैं कि इस टाइप के खुले पासे को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं और हम देखते हैं कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है। तो देखिए जरा, यदि आप ऐसे सीधे जाते हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप क्षैतिज चलते हैं तो हर एक सतह के बाद जो सतह आपको मिलेगी वो उस पहले नंबर की अपोजिट होगी। जैसे यहां पे आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये क्षैतिज, और यहां देखिए कि 1, 2 और 3, तो 1 और 1 छोड़ा और जो तीसरा होगा वो पहले का अपोजिट होगा। मतलब हम यहां बोल सकते हैं कि भाई 1 का अपोजिट 3 है। ऐसे ही अगर हम लंबवत चलते हैं तो देखते हैं कि भाई ये अपना लंबवत और यहां से हमने चलना स्टार्ट किया, तो 4 1 छोड़ा और ये, तो 4 का अपोजिट 5, यहां पे आए 2,
टू के बाद फाइव छोड़ा और यहाँ इसका अपोजिट सिक्स, तो फोर का अपोजिट फाइव और टू का अपोजिट सिक्स हो गया। फोर का अपोजिट फाइव और टू का अपोजिट सिक्स हो गया। तो इस टाइप के जितने भी डाइस बनते हैं, सिक्स का अपोजिट टू, तो इस टाइप की जितने भी डाइस बनते हैं उनको हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। हालांकि आप ये देखेंगे कि ये जो नियम है कि अगर आप सीधे चलते हैं और एक छोड़ने के बाद जो तीसरा पहले का तीसरा जो होगा वही अपोजिट होगा। यहां से देखिए आप सीधे चलना है नीचे की ओर, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा इसका अपोजिट हो गया। अब इसका हमें चेक करना है तो हम कहेंगे कि भाई पहला ये, दूसरा ये, तीसरा इसका अपोजिट हो गया। अब अगर नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं आप तो देख लीजिए, यहां से ये चले तो दूसरा छोड़ दिया और तीसरा इसका अपोजिट हो गया। देखिए यहाँ पे सिक्स का अपोजिट टू आ रहा है। तो इस तरीके से हम इस तरीके डाइसों को सॉल्व करेंगे और अपोजिट बताएंगे। और भी कुछ डाइस हैं जिनको आप आगे क्वेश्चन में करेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में हमसे फोर का अपोजिट पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर थ्री में हमसे फाइव का अपोजिट पूछा गया है। अभी जो इसके पहले हमने चित्र देखा वो भी कुछ इसी टाइप का था और ये दोनों भी इसी टाइप के हैं और हमें उसी कॉन्सेप्ट पे चलना है कि यदि आप ऊपर जाते हो तो हर एक को छोड़ने के बाद जो तीसरा होगा, यानी इसके बाद इसको छोड़ने के बाद ये इसका अपोजिट होगा। अब इसके बाद दो की बात करते हैं तो दो और ये फाइव छोड़ने के बाद थ्री इसका अपोजिट होगा। ऐसे ही अगर हम क्षैतिज में चलते हैं तो ये वन और टू को छोड़ने के बाद फोर वन का अपोजिट होगा। तो आप देख पा रहे हो कि फोर यहाँ पे है और फोर के बाद एक हम छोड़ने पे हमें क्या मिल रहा है, हमें वन मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई फोर का अपोजिट वन होगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थ्री में आपसे पूछा गया फाइव का अपोजिट क्या होगा, तो फाइव का अपोजिट निकालने के लिए फाइव हमें यहाँ दिख रहा है, इसका मतलब हमें ऐसे चलना होगा। क्या हम ऐसे चल सकते हैं? यहाँ तो कुछ है ही नहीं यहाँ, तो हम ऐसा ही चलेंगे क्षैतिज में। तो फाइव के बाद टू को छोड़ा और क्या वन मिला, तो वन क्या होगा इसका अपोजिट हो जाएगा। इस तरह से हम इन सवालों को करते हैं। अच्छा देखिए, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई अगर यहां से थ्री आ गया, अगर इसको उठा के हम यहां कर दें तो क्या होगा, और तब आप कैसे कहेंगे कि भाई टू में एक छोड़ दीजिए अब तीसरा मिलेगा नहीं फिर ऊपर। तो उसी टाइप के क्वेश्चंस को हम अब आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में यहां से अगर हम देखें तो भाई डॉलर के बाद इसको छोड़ने पे परसेंटेज जो होगा वो इसका अपोजिट हो जाएगा। और यहां से देखें कि भाई इसका अपोजिट परसेंटेज को छोड़ने पे ये आ रहा है। लेकिन अब हम ये कैसे बताएं कि भाई ये क्या है, अब ये अपोजिट होंगे कि नहीं? तो जैसा कि आप जान चुके हो कि इसका अपोजिट ये हो गया और इसका अपोजिट ये हो गया, तो दो अपोजिट तो हमें मिल ही चुके हैं, तो तीसरा अपोजिट जो होगा वो इसका होगा। तो इस तरह से इनके अपोजिट निकालेंगे। अब जो मन में आ रहा था ना कि ये दो ही हैं, अब यहां कैसे निकाले थ्री, तो उसको निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि हमने क्या किया, पहले इसको देखा जहां पहले निकाल सकते हैं। तो हमने देखा कि भाई इसके बाद ये इसका अपोजिट और ये इसका अपोजिट, तो जाहिर सी बात तीसरे ऑप्शन में यही बचता है। अब इसके बाद उसने थोड़ा सा ट्विस्ट बढ़ा दिया। अब क्या बोला उसने कि भाई अब हम आपको चार ऑप्शन दे रहे हैं और ये हमारा खुला पासा है और अब उसने दे दिया बंद पासा। उसने बंद पासे को दिया और कहा कि भाई इस पासे को मोड़ के जो बनेगा, मतलब इस पासे से जो बंद पासा बनेगा वो इनमें से कौन सा पासा होगा जो बन सकता है। तो हम सबसे पहला काम करेंगे कि भाई हमें अपोजिट पता होने चाहिए और उसके बाद आगे देखिए क्या होता है। तो इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, अब देखिए जरा अपने ऑप्शन में,
यहां पर ये और ये यानी ट्रायंगल और एट्रेट एक साथ दिख रहे हैं, क्या कोई भी अपोजिट दो अपोजिट एक साथ दिख सकते हैं? मतलब क्या ट्रायंगल और ये एक साथ दिख सकता है? नहीं दिख सकता। इसका मतलब क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैंसिल। इसके बाद अब आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में, और ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है कि भाई यहां पे डॉलर और परसेंटेज एक दूसरे के अपोजिट है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब इसके बाद आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, और ऑप्शन नंबर सी पे हम देख पा रहे हैं कि ना ही वहां पे डॉलर का अपोजिट रखा हुआ है और ना ही उसमें ओ का अपोजिट ये हैच रखा हुआ है कहीं पे भी, और ना ही एट द रेट का अपोजिट रखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। अब इसके बाद चेक करते हैं जरा डी को भी। तो डी को देखने के लिए हम देखें भाई कि यहां देखो जो हमारा वृत्त है वो हैच के विपरीत में है और यहां पे भी दोनों दिख रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो करेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फाइव में थोड़ी सी आकृति बदल गई। अब क्या हुआ, इस तरीके की आकृति वो देने लगा और उसने पूछा कि भाई एम का अपोजिट क्या होगा। तो आप देख सकते हैं दोनों में ही क्षैतिज ही चलना पड़ेगा। तो यहां से आप देखिए के का अपोजिट बी हो गया, अब यहां देखिए इसमें ए का अपोजिट डी हो गया, तो बचता कौन है? एम और सी। तो कह सकते हैं डायरेक्टली कि एम का अपोजिट सी होगा। यदि आप यहां से चलना स्टार्ट करते हैं या ऊपर की ओर जाते हैं तो देखिए यहाँ पे दो ही फलक हैं, तीसरा नहीं मिल रहा है, ना यहाँ और ना यहाँ पे, तो हम ऐसा नहीं चल सकते हैं। तो इस तरीके से हमें चलना पड़ेगा और हमें सभी के विपरीत पता चल जाएंगे। तो के का विपरीत हो गया, के का अपोजिट हो गया बी, और यहां पे देखें तो ए का अपोजिट हो गया डी, और एम का अपोजिट हो गया सी, और यही हमारा आंसर है क्योंकि उसने हमसे एम का अपोजिट ही पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर फाइव का आंसर हो गया एम का अपोजिट सी। अब जरा यहां देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स में, क्वेश्चन नंबर सिक्स में उसने और भी बातें बढ़ा दी। अब क्या किया उसने कि भाई सिर्फ दो ही सतह पे हमें कोई नंबर या अल्फाबेट दे रहा है, और उसने क्या किया कि बाकी सारी सतहों को खाली रखा है। तो खाली रखा है और उसने ये भी पूछा है कि भाई ये चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इनमें से ये जो डाइस आपके सामने ओपन है इसको अगर बंद करें तो कैसा दिखेगा, मतलब कौन सा हम इसे बना सकते हैं। तो देखिए जरा, अभी हमने इस क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे जो सतह होती है उसका अपोजिट यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ जो सतह होगी इसका अपोजिट ये होगा। ओके, अब यहां देखते हैं कि इसका अपोजिट ये आ रहा है तो इसका अपोजिट ये होगा, या हम उस कॉन्सेप्ट चले कि भाई एक को छोड़ने पर ये चले और इसको छोड़ा और ये इसका अपोजिट, ये चले और इसको छोड़ा और ये इसका अपोजिट, और पी का अपोजिट क्यू हो गया। तो देख लीजिए जरा, जब पी का अपोजिट क्यू आ रहा है और बाकी तो हमें कुछ दिखेगा नहीं, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई वो ऑप्शंस गलत होंगे जिन ऑप्शंस में इनको दोनों को एक साथ दे रखा है, क्योंकि कभी भी कोई अपोजिट सतह एक साथ नहीं दिखती है, और वो ऑप्शन भी गलत होगा जिनमें इन दोनों को छिपा रखा है। तो देखिए जरा, ऑप्शन नंबर ए में ये दोनों सतह एक ही साथ दिख रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में भी ये दोनों सतह एक साथ दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो गया। अब इसके बाद देखिए जरा ऑप्शन नंबर डी, और ऑप्शन नंबर डी में कोई सतह नहीं दिख रही है, तो हमने यही तो अभी बोला है कि भाई या तो दोनों दिखें तो गलत, या तो दोनों ना दिखें तो गलत, मतलब ना एक साथ ला सकते हैं और ना एक साथ छिपा सकते हैं। तो
जब ये काम नहीं हो सकता है तो हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि इन दोनों में से कोई एक दिखे, तो वो जो है ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए आप कि हमें पी दिख रहा है और उसका विपरीत यहां कहीं होगा और वो हमें नहीं दिख रहा, तो हम बोल सकते हैं कि भाई इन दोनों में से या इन चारों में से कोई भी ये दो हो सकते हैं, वो मैटर नहीं करेगा क्योंकि वहां पे उसने कोई अल्फाबेट नहीं दिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया और ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा क्योंकि एक फलक तो दिखनी ही चाहिए, या तो पी दिखे या तो क्यू दिखे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको कुछ इस तरह का टाइप दिया गया है और इसमें उसने ये कहा है कि भाई चार ऑप्शन है और इसमें से कौन सा डाइस ऐसा होगा जो इस डाइस से ही बनाया गया। तो आइए जरा देखते हैं कि इन डाइस में किस तरीके से हम एक दूसरे के अपोजिट निकालते हैं। तो जैसा कि हमने बता रखा है कि भाई अगर आप लंबवत चलते हो तो यहां से ये इसका अपोजिट हो गया, मतलब ये आए और इसको छोड़ा और ये इसका अपोजिट, यहां से ये आए और इसको छोड़ा और ये अपोजिट। तो मतलब ये हुआ कि D का अपोजिट जो होगा वो E होगा और A का अपोजिट C होगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया आपने तो ऊपर से बोला था कि भाई आप यहां से स्टार्ट कीजिए, टू से स्टार्ट कीजिए और बोलिए कि भाई टू आए और ये छोड़ा और यहां आ गए, तो टू का अपोजिट B होना चाहिए। लेकिन आप जरा ध्यान दीजिए, ये सभी कॉर्नर पे एक ट्रायंगल दे रखा है और इन ट्रायंगल की सहायता से मिलके कोई एक फलक पूरी आकृति बनेगी, एक फलक की पूरी आकृति इस प्रकार बनेगी। मान लीजिए यहां वन, यहां टू, यहां थ्री, यहां फोर, तो इनके जुड़ने से एक आकृति तैयार होगी। तो हम यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे, ये और ये यहां से स्टार्ट नहीं करेंगे। हम जब स्टार्ट करेंगे तो फुल डाइस का जो फेस होगा वहां से स्टार्ट करेंगे, यहां से इसको स्टार्ट किया, ये छोड़ा और ये इसका अपोजिट लिख लिया। अब भाई बचता है हमारा बी, तो बी का जो अपोजिट होगा वो अपना ये होगा, तो बी का अपोजिट हमारा ये आ गया। अब जरा चेक करते हैं कि भाई क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। तो देख लीजिए जरा, ए और सी एक साथ दिख गए आपको, जब एक साथ दिख गए तो ये दोनों अपोजिट हैं और एक साथ तो दिखने नहीं चाहिए, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। इसके बाद देखते हैं कि भाई डी का अपोजिट ई है लेकिन वहां पे डी और बी है, तो मतलब डी और बी तो अलग अलग हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये सही हो सकता था लेकिन बी का अपोजिट में ये भी तो आ रहा है। तो देखिए जरा, बी के साइड में तो ये नहीं दिखना चाहिए, बी के पीछे दिखना चाहिए, मतलब हमें यहां दिखना ही नहीं चाहिए था, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे, तो ऑप्शन नंबर सी में आप देख सकते हो कि डी है, बी है और ई है, तो डी और ई एक साथ दिख गए, तो डी और ई एक साथ दिख गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि क्या ऑप्शन नंबर फोर हमारा सही है। तो देखिए जरा, डी है, डी का अपोजिट ई वहां नहीं दिख रहा है, ए है यहां पे, वहां सी है तो ए वहां पे नहीं दिख रहा है, उसके बाद बी है वहां पे तो उसका अपोजिट ये नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर जो फोर होगा वो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस तरह से हमने डाइस के चैप्टर को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा और ओपन डाइस आई होप बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को वायरल कीजिए।